हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और ठंडी का मज़ा लेते होंगे। हमारे यहाँ तो गुलाबी ठंडी है तो हम उसका मज़ा ले रहे हैं। आप लोग के यहाँ कैसा है वो तो आप बताएंगे मैसेज करके मेरे को। और हम चाय बनाने रख दिए हैं। हम लेट सो के उठे क्योंकि मेरी काम वाली आई, तभी मेरा नींद खुला। और नींद खुल गया था सुबह, मेरा बेटा साइकिलिंग के लिए गया था तो मेरे को उठा के गया था, लेकिन फिर वापस हम सो गए। तो काम वाली आई 7:30 बजे, तो जब तक वो करके नहीं गई तब तक हम लेटे हुए थे। वो गई, अभी गई जस्ट, तो अब उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, चाय बनाने रख दिए हैं। सबसे पहले गर्म पानी पी रहे हैं। चलिए चाय पीते हैं, तब मिलते हैं, फिर आज का क्या है रूटीन देखते हैं। आज मेरे को पैकिंग भी करना है, कल जहाँ जाना है, जाना कल है बट जहाँ जाना है तो उसके लिए पैकिंग आज करना है, तो देखते हैं दोपहर में हम पैकिंग करेंगे। चलिए मिलते हैं चाय पीते हुए आपको। देखिए आज हम लोग छोटे से कप में पी रहे हैं, मग में नहीं पी रहे हैं। आज चाय वाले कप में चाय पी रहे, कॉफ़ी वाले मग में नहीं। और ये हमारा छठ पूजा का प्रसाद, कल आया, कल खा लिया, अभी इसमें एक दो पीस बचा है, कल बाद में खाएंगे। चलिए हम लोग चाय पीते हैं फिर आगे का काम करते हैं। चलिए ये रूम का और वो रूम के पलंग का चादर चेंज करना है, वो चादर धो दिया है, सुखा दिया है, यहाँ नया चादर बिछा दें और ये सब फोल्ड करें। चलिए ये कर लें, फिर वो रूम का चादर बिछा के फिर हमको रोटी बनाना है। चलिए मेरा ये वाला रूम भी हो गया, ये कल आए प्रेस के कपड़े अंदर रखने हैं बाद में। ये रूम में भी हो गया मेरा चादर चेंज, ये टॉवल धोना है बट आज नहीं धोएंगे, कल धोएंगे, क्योंकि हमने टॉवल इसलिए आज नहीं धोएंगे क्योंकि हमने बाल में तेल लगाया है तो तकिया के ऊपर रख के सोते हैं, तो ये टॉवल कल धोएंगे। आज वह हेड वॉश नहीं करेंगे, आज पूरे दिन तेल रहने देंगे। और देखो यहाँ आटा लगा है, और कल वॉश करेंगे क्योंकि ट्रेन में कल जाएंगे, ट्रेन में तो यहाँ से वॉश करके जाएंगे, क्योंकि थर्सडे को तो हम हेयर वॉश नहीं करेंगे और फंक्शन जिनके यहाँ जा रहे हैं थर्सडे को फंक्शन है, तो उस हिसाब से कल ही वॉश कर लेंगे। तो मेरा क्या है 2-3 दिन ये रहेगा, और कहाँ जा रहे हैं वो जब कल ट्रेन में बैठेंगे तब आपको बताएंगे। चलिए अभी हम जाएँ फटाफट नहा लें। आज हमने इडली सांभर भी मंगवाया है, मेरे को बहुत मन कर रहा था इडली सांभर खाने का, तो इडली सांभर खाएँगे और साथ में पराठा भी बना लिए। भिंडी की सब्ज़ी बनाया, सूखी भिंडी, आलू की सब्ज़ी, पराठा और इडली सांभर। पहले इडली सांभर खा लेंगे, जब बाद में भूख लगे तब भिंडी की सब्ज़ी और पराठा खाएंगे। चलिए हम नहाएं क्योंकि हमको नहाना बाकी है और उसके बाद फिर हमको पैकिंग करना है, क्या लेके जाना है देखना पड़ेगा। जिनके यहाँ जा रहे हैं वो मेरे ममेरे जेठ लगेंगे, तो जेठ हैं तो उस हिसाब से हमको साड़ी लेके जाना होगा, क्योंकि हमारे बिहार तरफ में या यूपी तरफ में, मेरा मायका यूपी पड़ता है और ससुराल बिहार, लेकिन जो भी है बड़े हैं तो हमको सर ढांकना है, सूट अलाउ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पर रहेंगे फंक्शन में रहेंगे तो समाज का पूरा लोग रहेगा, तो उस हिसाब से हम साड़ी लेके जाएंगे। हाँ भले दूसरे दिन घूमने जाएंगे तो ड्रेस पहन लेंगे, बट घर के फंक्शन में तो साड़ी ही अच्छा लगता है। तो क्या साड़ी लेके जाने वाले हैं वो भी हम अभी चूज़ करेंगे, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है क्या लेके जा रहे हैं, फिर वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि साड़ी लेके जाएंगे फिर उसके हिसाब से चूड़ी ऑर्नामेंट्स ये सब लेके जाना होगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए हम नहा लें फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करते वक्त, नाश्ता प्लस लंच यानी ब्रंच के टाइम। चलिए हम नहा के आ गए हैं, हम और बेटा बैठ के इडली सांभर खा रहे हैं, पराठा बनाए हैं बाद में खाएंगे, अभी इडली सांभर का मज़ा लेते हैं, उसके बाद दोपहर में भुजिया पराठा। चलिए दिखा रहे हैं कितना प्यारा इडली और सांभर है। हाँ देखिए इडली वड़ा, ये टमाटर की चटनी और ये सांभर में ही हम चटनी मिक्स कर लिए, यही खाने वाले हैं। बेटा टिफिन में ले लिया कोई नहीं चलेगा। चलिए हम खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलिए हमने और बेटा ने नाश्ता कर लिया, मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे कब का,
उसके बाद हम नहा धो के आए, फिर मेरा बेटा के साथ हम दोनों ने खाया नाश्ता। अब कपड़ा ये हो रहा है, स्पिन हो रहा है, वो हो जाए तो उसको सुखा देंगे कपड़ा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या हमको ले जाना है साड़ी में, वो सेलेक्ट करेंगे। अभी तो 12 ही बजे हैं, 12:10 हो रहा है, अभी वो सेलेक्ट करेंगे क्या ले जाना। फिर ड्रेस 3 ड्रेस ले जाएंगे, जिसमें से एक पहन के जाएंगे, एक वहाँ से पहन के आएंगे और एक वहाँ घूमने जाएंगे, तो एक दिन घूमेंगे तो उसके उस दिन पहनेंगे, और 2 साड़ी ले जाएंगे। टोटल मेरा 5 रहेगा, और उसके साथ चूड़ी, साड़ी का मैचिंग का चूड़ी एक सब ले जाना होगा। ड्रेस में तो क्या, एक बैंगल्स पहन लेंगे तो चल जाता है, मेरे को नींद भी बहुत आ रहा है जबकि इतना लेट से उठे, 8:30 बजे उठे हैं, फिर भी नींद आ रहा है। नींद तो मेरा कम नहीं होता भाई साहब। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं। कपड़ा सुखाने के बाद स्पिन हो रहा है, फिर बर्तन धोना बाकी है तो उसको फुला दिए, आटा का थाली ये सब फुला दिए हैं, फिर एक साथ धोएंगे 1/2 घंटा 1/4 घंटा के बाद। चलिए तब तक थोड़ा सा मेरी दीदी से बात करना है, उसको उससे बात कर लें, फिर मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, मिक्स कठोल की सब्जी। देखिए ये इसको कहते हैं मिक्स कठोल, मटर चना मूंग सब मिक्स है, 2-3 तरह का दाल मिक्स है, चना मटर मूंग और सब, अब गलने के बाद दिख नहीं रहे हैं, जो भी है मिक्स कठोल बोलते हैं इसको, ये बनेगा आज। यहाँ पे राइस बना दिया हमने, हम तो राइस और सब्जी खाने वाले हैं, कि बेटा फ्रिज से निकाल के रखा है नरम होने के लिए, फिर खाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आटा रेडी कर दिया, सब्जी हो जाए उसके बाद फिर बाहर जाना है, थोड़ा काम से खा के जाएंगे। चलिए सब्जी हो जाए उसके बाद फिर हम जाएंगे रेडी होने, खाना खाने के बाद जाएंगे ना, खाना खा के जाएंगे ना, हैं खाना में चावल हो गया, बस रोटी करना है गरम गरम, और फिर रेडी होके जाएंगे काम से, एक जगह जाना है काम से, मतलब प्रसाद देने जाना है सबको छठ का। सारे 2-3 लोगों को प्रसाद देने जाना है, सब्जी बॉईल हो गया था, मसाला फ्राई हो जाए फिर डाल के खोल करवा देंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। हम तो चावल ही खाने वाले हैं, पेट एकदम टाइट है मेरा, बचा हुआ है नहीं लगता दिन का खाना। चलिए मिलेंगे थोड़ी देर से। देखिए हम अपने लिए सब्जी चावल ले लिए हैं, यही खाने वाले हैं आज, क्योंकि पेट एकदम टाइट लग रहा है। शाम को मेरे हस्बैंड समोसा दे आ गए थे, 2 समोसा खा लिए तो और पेट टाइट हो गया तभी कोई बात नहीं, इसीलिए हम चावल खा रहे हैं, रोटी नहीं खाएंगे। चलिए हम खा दें, ये बाद में खाएंगे, तब तो हम खाएं, फिर हमको रेडी होना है, जाना है इनके फ्रेंड लोग के यहाँ हमें प्रसाद देने छठ का, इसीलिए हम, चलिए हम खा लेते हैं, मिलते हैं फिर। चलिए हम रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब सबको प्रसाद बांटने के लिए, बिहार विकास समिति की ओर से जिन ने चंदा दिया है उनको प्रसाद वितरण करने जा रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम 2 जगह से होके आ गए, अभी 1 जगह जा रहे हैं, फिर वहाँ से फिर घर जाएंगे, वहाँ का हमने वीडियो नहीं लिया। पटेल की लड़की है एक, लगा भाई।
दिया प्रसाद और जा रही घर। बाहर जा रहे हैं बाहर। बहुत सारे प्रोजेक्ट, कितना प्रोजेक्ट आ रहा है। खाने तो खाने का कहीं भी लग जाता है तो वहाँ तो गाड़ियाँ गाड़ियाँ ही जाती हैं। यहाँ बहुत सर वाले हैं स्टाफ हैं। नंदिनी 3 है तो 1-2 की है। नंदिनी 1-2 आगे है। बेटा चेंज करके बेटा को खाना खिलाया क्योंकि बोला था मम्मा आप अपने हाथ से खिलाना मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो उसको खाना खिलाया, फिर उसको उसके रूम में बोला जाके तुम सो जाओ। फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पैकिंग बाकी था तो वो किया पैकिंग और अब जा रहे हैं सोने। अपलोड करके ब्लॉग फिर हम सो ही जाने वाले हैं क्योंकि फिर कल से काम वाली भी नहीं आने वाली है क्योंकि वो भी अहमदाबाद जा रही है काम। उसके यहाँ पे कुछ फंक्शन है अहमदाबाद में, अहमदाबाद से उसको घूमने जाना है। फिर क्या स्कूल खुल जाएगा तो उसके हस्बैंड स्कूल का वैन चलाते हैं तो 3-4 दिन के लिए वो छुट्टी पे है तो 3-4 दिन के लिए हम भी नहीं है घर पे। तो कल उठ के झाड़ू वाड़ू करेंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, झाड़ू वाड़ू करके फिर हमको नाश्ता पानी बनाना है, ट्रेन के लिए भी बनाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए चलिए अब ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे से कमेंट्स करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, बाय।